इंटरफेस है आपके जीमेल अकाउंट का। यहाँ पे इनबॉक्स, स्टार्ट, स्नूज, अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। अब हम अपने बुक के कंटेंट के हिसाब से पहले देखते हैं कि इनका मीनिंग क्या है। अभी हम यहाँ ईमेल अकाउंट के कुछ ऑप्शंस को देख लेते हैं। जैसे पहला है इनबॉक्स। अगर मेरी ईमेल आईडी पे कोई मेल करता है मुझे, तो वो कहाँ शो करेगा? इनबॉक्स में। इनबॉक्स में तीन ऑप्शन होते हैं, प्राइमरी, सोशल और प्रमोशन। अगर सोशल साइट्स के मेल हैं तो वो हमारे सोशल पे शो करेगा, जैसे ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, जितने भी हमारे सोशल वेबसाइट्स हैं जिनसे हमारा ईमेल अकाउंट अटैच है, अगर उनका कोई भी मेल मेरे पास आता है तो वो मेरे सोशल सेक्शन में शो करेगा। प्रमोशनल, अगर कोई कंपनी है और वो अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट कर रही है या अपनी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट कर रही है या किसी भी तरह के प्रमोशनल मेल हैं तो वो प्रमोशन सेक्शन में दिखाएगा। और ये मेरा प्राइमरी सेक्शन है। प्राइमरी सेक्शन में हमारा ओवरऑल मैसेजेस जो होते हैं इनबॉक्स के वो शो करता है। सेकेंड ऑप्शन हमें देखना है कंपोज। ये रहा कंपोज। कंपोज का मीनिंग क्या है? अगर हम अपने ईमेल अकाउंट से किसी को मेल करना चाहते हैं तो हम किसका यूज करेंगे? कंपोज ऑप्शन का। तो अगर हमें किसी को मेल करना है तो हम यहाँ पे उसकी ईमेल आईडी डाल देंगे। इसके बाद यहाँ दो ऑप्शन आपको दिखेंगे, सीसी और बीसीसी। सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी, अगर जो मैं मेल भेजना चाहता हूँ सेम मेल अगर मैं किसी दूसरे पर्सन को ही भेजना चाहता हूँ तो मैं सीसी में जाऊँगा और यहाँ पे उसकी ईमेल आईडी डाल दूँगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मैं मेल भेज रहा हूँ इस पर्सन के पास तो जाएगी ही जाएगी, साथ ही साथ इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी इस पर्सन के पास भी जाएगी। यानी इसको पता चल जाएगा कि मैंने टू में किसको मेल किया है और इसको भी पता चल जाएगा कि सीसी में किसको मेल किया गया है। तो ये सीसी का यूज है। लेकिन अगर मैं बीसीसी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कोई मेल करता हूँ तो इस कंडीशन में सीसी और सीसी वाले को और टू वाले को ये नहीं पता चलेगा कि मैंने इस पर्सन को भी सेम मेल किया है। तो ये एडवांटेज है बीसीसी का कि अगर हम कोई मेल करना चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि टू में जो ईमेल आईडी है और सीसी में जो ईमेल आईडी है उसको ये पता चले कि मैंने बीसीसी में किसको ईमेल भेजा है, तो इस कंडीशन में हम बीसीसी ऑप्शन को यूज करेंगे। जो हम मेल कर रहे हैं उस मेल का क्या पर्पज है वो हम टैग लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद जो मेरा बॉडी, ये बॉडी पार्ट है, यहाँ पे जो भी मेन कंटेंट है वो मैं यहाँ लिख दूंगा। इस तरह से हमारा जो भी मैटर हो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। हम चाहें तो उसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग करने के लिए हमें ये फॉर्मेटिंग ऑप्शन, ये जो ए बना हुआ है ये हमारा फॉर्मेटिंग ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। ऐसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल बार आ जाएगा। यहाँ से हम अपने कंटेंट को बोल्ड कर सकते हैं, उसका साइज अपने हिसाब से इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, अंडरलाइन इटैलिक कर सकते हैं, हम चाहें तो उसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो जो भी हमारे मेन बेसिक फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं वो यहाँ से आ जाएंगे। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं कोई अटैचमेंट भेजूँ जैसे कोई इमेज या डॉक्यूमेंट, तो मैं ये इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा, अटैच फाइल, इस पर क्लिक करूँगा और मेरे डेस्कटॉप, लैपटॉप या मोबाइल डिवाइस या कोई भी अदर स्मार्टफोन में जो भी मैं कंटेंट को भेजना चाहता हूँ उसको मैं सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही ओपन पे क्लिक करूँगा यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है और ये मेरे डॉक्यूमेंट को अटैच कर रहा है। तो ये डॉक्यूमेंट मेरा अटैच हो गया। अब मुझे मेल करनी है तो मैं यहाँ सेंड बटन पे क्लिक करूँगा तो ये मेल जो है उनके पास पहुँच जाएगी। इसके अलावा मैं चाहूँ तो यहाँ से अटैचमेंट के साथ साथ अगर हम जैसे YouTube पे कोई लिंक भेजते हैं तो मैं यहाँ लिंक अटैच कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इमोजी अटैच कर सकता हूँ। यहाँ से मैं Google ड्राइव के थ्रू कोई फाइल को सेंड कर सकता हूँ। यहाँ से मैं फ़ोटो को इंसर्ट कर सकता हूँ। यहाँ से मैं कॉन्फिडेंशियल ऑप्शन को ऑन या ऑफ कर सकता हूँ ताकि सामने वाले को ये पता चले कि ये एक इम्पॉर्टेंट मेल है।
और यहाँ से मैं अपना एक सिग्नेचर अटैच कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, तो सेम ऐसे ही हम भी अपना मेल वाइज अपना एक सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं कि हमारी क्या प्रोफाइल है। और अगर हम ये चाहते हैं कि ये मेल हमारे एज ए ड्राफ्ट में सेव ना हो, तो यहाँ से हम इसको डिलीट कर देंगे तो ये ड्राफ्ट में सेव नहीं होगा। और अगर हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं तो ये ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। बाद में फ्यूचर में अगर हमें सेम मेल भेजना हो तो हम यहाँ से इसको दोबारा खोल के सेव सेंड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ सेंड पे क्लिक करेंगे तो हमारा मेल सेंड हो जाएगा। अगर मैं कोई मेल सेंड करता हूँ तो अगर मैं उसको देखना चाहता हूँ तो मैं कहाँ से देखूँगा, सेंट मेल से। तो जितने भी मेल हम सेंड करते हैं वो सारे मेल यहाँ पे शो करते हैं। सेंट ऑप्शन के थ्रू जो है हम मेल पे क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन सी मेल को कब सेंड किया गया था, क्या इन्फॉर्मेशन थी उसमें।